प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जनता के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं पीएम ने गरीबी के विषय में बोलते हुए कहा कि जीवन यापन के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पीएम ने पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और आने वाले 5 सालों में सभी लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य है। पीएम ने जनता से बीजेपी को विजय बनाने की भी अपील की। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार, आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, मेरे आसपास भी यही देखा, परिवार में भी यही देखा। जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, वो मैंने देखा है, जिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतीय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो। मेरा भारत, मेरा परिवार गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये मैं संतोष मार करके सोने वाला नहीं हूं। हाँ, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, अगर 25 करोड़ लोग निकल सकते हैं गरीबी से बाहर, आने वाले 5 साल मेहनत जरा ज्यादा करूंगा ताकि सबके सब गरीबी से बाहर आ जाए। जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है तो ये तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि मेरी मेहनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने, मेरी मेहनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने। क्योंकि जब मैंने उनको कहा मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी मेहनत गरीबी को परास्त करेगी, और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल दिए और 25 करोड़ लोग गरीबी को ध्वस्त कर करके बाहर निकल आए। और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए। मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को
लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने। साथियों, बंगाल के विकास के लिए आपको हर बूथ पर बीजेपी को जिताना है। वर्धमान पूर्व से हमारे साथी असीम कुमार सरकार जी और वर्धमान दुर्गापुर से मेरे बहुत निकट साथी भाई दिलीप घोष, इनको विजयी बनाना और इनको मिलने वाला हर वोट मोदी की शक्ति बढ़ाएगा, मोदी को मजबूत देगा। उनको दिया एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम।